हेलो गाइस, मैं खुशी रूप आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। एक शख्स का पर्स खो गया और खोने के बाद अचानक से ही उसके बैंक अकाउंट में आने लग गए पैसे, और जब पैसे आने लग गए तब उसकी वजह जान के वो काफी ज्यादा हैरान रह गया और वहां के लोग भी काफी ज्यादा हैरान रह गए। और ये चीज एक्चुअली अभी सुर्खियों में छाई हुई है उसकी वजह के कारण। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते हुए जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। पर्स खोना तो आम बात सी हो जाती है, कभी कभार हम लोग भूले भटके कभी कभार हम लोग अपना पर्स निकालते हैं और कहीं पे रख देते हैं और वो खो जाता है, और उसी दौरान कभी कभी चलते चलते भी हमारा पर्स कहीं गिर जाता है, और कभी कभार हमारे पर्स में इतना पैसे होते होते तो एटीएम कार्ड होते हैं और बहुत सारे ऐसे कागजात होते हैं जो हमारे जरूरी होते हैं। और अगर हम लोग इस चीज का आंकड़ा लगाए तो ये काफी ज्यादा मुश्किल होगा कि हर साल एक्चुअली कितने लोगों के पर्स गायब होते हैं या चोरी हो जाते हैं या खो जाते हैं। और उसी के साथ आप लोगों को लाजमी से ये बात है कि अगर आपका पर्स चोरी होता है तो उसके बाद आपको दुख बहुत ज्यादा होता है। कभी कभार ये पर्स मिल भी जाता है अगर कोई ईमानदार आदमी हो, पर कभी कभार ये पर्स आपको मिल भी नहीं पाता, आपको हमेशा ही लॉस का सामना करना पड़ता है। पर ऐसा एक ऐसा मेल खाता हुआ मामला हमारे सामने आया है जो कि लंदन से है। लंदन में एक शख्स जिसका नाम है कैमरन, और उसका पर्स एक्चुअली खो गया। जब वो अपने ऑफिस से घर जा रहा था तब जाते हुए उसका पर्स गिर गया, और गिरने के बाद उसने काफी ज्यादा अपने पर्स को ढूंढा पर कहीं पर मिला नहीं था, और फिर उसके बाद वो घर पे आ गया। घर पे आने के बाद उसने अपने फैमिली को ये पूरी बातचीत बताई, और बताने के बाद सब लोग इसके बारे में दुख जाहिर कर रहे थे। उसके बाद अचानक से पता चला कि उसके बैंक अकाउंट में नेक्स्ट डे पैसे आने शुरू हो गए हैं, और वो पैसे 4 बार आ चुके हैं। और उसके बाद उसको पता चला इसकी सच्चाई जब उसने उस एक नंबर पे कॉल किया और पता किया कि एक्चुअली ये कौन कर रहा है। तब ये चीज मीडिया में बताई गई, और मीडिया में बताने के बाद पता चला और इस शख्स की काफी ज्यादा तारीफ हो रही है। ये क्यों तारीफ हो रही है? जो पैसा डाल रहा था, क्योंकि हम आपको बता दें कि एक शख्स को वही वॉलेट मिला, वही जो पर्स था वो गिरा हुआ पाया गया, और उसके अंदर एक एटीएम कार्ड था जिसके जरिए उसने उस लड़के के जिसका ये वॉलेट खो गया था उसके अकाउंट में 4 बार पैसे डाले और अपना नंबर दिया, और बोला कि कैमरन को बोले कि वो फोन करे, और फोन करके वो उसका पर्स वापस दे पाए, जिसके कारण वो सच में उनको पर्स वापस भी दे पाया और ये चर्चा में बन गया। और इसकी ये जो लड़का है जिसने बैंक का ऑनलाइन का सहारा लिया है ये पर्स वाले को पर्स देने का, इसकी लोग काफी ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं। बोलते हैं कि ईमानदार आदमी बहुत कम होते हैं, और पर्स जब होते हैं और जब दिखाई देते हैं तब कुछ ऐसी ईमानदारी का काम कर जाते हैं जो कि लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन जाता है, जैसे कि ये विषय बना हुआ है। और उसी के दौरान एक्चुअली मीडिया रिपोर्टर्स ने इस शख्स से पूछा कि एक्चुअली उस इंसान को तुम्हारे बैंक अकाउंट के बारे में कैसे पता चला था, तो उसने ये चीज बोली कि ब्रिटेन में जो कार्ड है उस कार्ड के ऊपर ही बैंक की डिटेल लिखी होती है, जिसके कारण आपका अगर कार्ड खो जाए तो जैसे कि उन्होंने ऑनलाइन का सहारा लिया, तो ऐसे ही करके दूसरे लोग भी ऑनलाइन का सहारा लेके वो किसी का वॉलेट या कार्ड वो वापस कर सकते हैं, जिस तरीके से इस शख्स ने किया है। आई होप गाइस इसके बारे में जानकर आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा और आपको बिलीव हुआ होगा कि एक्चुअली शख्स जो इंसान होते हैं, हम में बहुत सारे ऐसे शख्स जो कि ईमानदार होते हैं, वो 1 रुपया भी ऐसा फालतू का लेना पसंद नहीं करते, अपनी मेहनत की कमाई अपनी ही मेहनत का खाना चाहते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं तो जरूर बताइए 2 लाइन में कमेंट बॉक्स में, और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए कि दुनिया भर की खबर मैं जल्द से जल्द आप तक लेके आ पाऊं। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।